तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले, जो कि हमारे अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप, फोर रेजिस्टर ऑफ 8 ओम ईच आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम 8 ओम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सो हाउ दे आर कनेक्टेड टू गेट द रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। आपको इस सवाल में कहा जा रहा है कि आपके पास चार रेजिस्टर दिए गए हैं, 8 ओम उनका रेजिस्टेंस है, तो इनको किस प्रकार से हम कनेक्ट करेंगे कि हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ जाए कितना, 8 ओम। तो यही हमको इस सवाल में पूछा गया। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, देखिए सबसे पहला तरीका है कि आप सभी को सीरीज में चेक करने की बात कर रहे हैं, सभी को सीरीज में करिए। दूसरा तरीका सभी को पैरेलल में करिए। एंड तीसरा तरीका हमारा होता है दो सीरीज प्लस दो पैरेलल, ठीक है ना, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम गाइस बात करें, चौथा तरीका ये है कि दो पैरेलल करिए आप, ठीक है ना, प्लस फिर दो पैरेलल। इसका कहने का मतलब ये है, दो रेजिस्टर को पैरेलल में करिए, देन इनको प्लस करेंगे यानी कि ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो जाए, यानी कि ये दोनों किस में कनेक्ट हो, सीरीज में कनेक्ट हो। तो इस प्रकार के सवाल को हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये सवाल हमारा बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हमको 8 ओम की चार रेजिस्टर दी गई और हमको लाना है कितना, हमको लाना है 8 ही ओम लाना है, यानी कि कहने की बात है कि जितना दिया गया उतना ही हमारा लाना है। तो यहाँ पे दोस्तों पैरेलल कनेक्शन जरूर होगी, ठीक है ना। इस प्रकार की हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम देखते हैं कि दो रेजिस्टर को हम लगा देंगे पैरेलल में, ठीक है, दो पैरेलल ये वाला कॉम्बिनेशन को हम ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा 8 ओम का रेजिस्टर है, 8 ओम का रेजिस्टर है, 8 ओम का रेजिस्टर है, 8 ओम का रेजिस्टर है। तो यहाँ पे हमारा जो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, हमको पता है इसका रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं दोस्तों। इसको मान लेते हैं आर एक्स और इसको मान लेते हैं आर वाई, है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे जो निकालना है दोस्तों, देखा जाए तो आर एक्स हम जब निकालेंगे तो पैरेलल कनेक्शन हमको पता है आर वन इंटू आर टू, यानी कि 8 × 8 / 8 + 8, है कि नहीं, जो कि हमारा आ जाएगा 64/16 4 आ जाएगा हमारा, है कि नहीं। 4 टाइम इसको कट कर देंगे यानी कि हमारा आर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4 ओम आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों हम आर वाई का निकाल लेते हैं, तो जैसे आपको पता है सेम है, वैल्यू सेम है, तो आर वाई का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 ओम। तो हमें यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस 8 ओम निकालनी थी। तो अब ये दोनों को हम किसमें, इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा लास्ट में सेकेंड डायग्राम कैसा बन जाएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार का हमारा डायग्राम बन जाएगा, है कि नहीं। यानी कि ये हमारा आर एक्स निकला और ये हमारा आर वाई निकला, आप देख रहे हैं दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं। तो दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि आर एक्स प्लस आर वाई, तो हमारे यहाँ पे आ गया 4 + 4 = 8 ओम। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के सारे प्रीवियस 15 ईयर के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करिए। एंड वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ दे रखी है, आप वहाँ पे एक बार मैसेज करिएगा, देन अगेन आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी ये अपलोडेड है। तो आइए दोस्तों अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है दोस्तों, 9 ओम, सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नंबर 1 13.5 ओम एंड नंबर 2 6 ओम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि आपके पास 3 रेजिस्टर दिए गए हैं, तीनों का रेजिस्टेंस है 9 ओम। तो आपको इनको इस प्रकार से अरेंज करना है कि इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस नंबर 1 13.5 आ जाए एंड नंबर 2 6 ओम आ जाए। एंड ये सवाल की दोस्तों हम बात करें तो सीबीएसई 2018 का ये आपका सवाल है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज्यादातर करवाते हैं। तो इसी प्रकार की इसी एफर्ट के लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर जो ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। काफी आसान है, बहुत ही आसानी से करेंगे जो अभी आपको हमने मेथड बताई थी। तो देखिए यहाँ पे हमें देखने वाला बात यह है दोस्तों कि आपके पास सबसे पहली बात रजिस्टर कैसे है, रजिस्टर आपके पास 9 ओम का रजिस्टर है कि नहीं, एंड आपको 13.5 एंड 6 करना है। तो पहला चीज मैंने आपको ये बताया था, सभी को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए एंड सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। एंड पहला देखिए 9 ओम, एंड 9 ओम से कम आंसर आ रहा होगा तो समझ जाएगा पैरेलल अरेंजमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। 9 ओम से ज्यादा आ रहा है यानी कि सीरीज एंड पैरेलल दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस है 9 ओम का, हमको इन्हें कनेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले चीज, सभी को सीरीज में जब आप कनेक्ट करते हैं, हमने आपको बताया था कि सभी को सीरीज में करिए पहले, उसके बाद आप सबको क्या करिए पैरेलल में करिए,
तीसरा मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे करिए, देखिए यहाँ पे हमारे तीन रजिस्टर के बारे में बात किया, हमने चार रजिस्टर की बात की थी, तो दो सीरीज प्लस इसके साथ में हम क्या करेंगे दोस्तों, एक पैरेलल कर देंगे, दो सीरीज करेंगे उसके साथ एक पैरेलल कर देंगे, एंड नंबर फोर हमारा दोस्तों बात करें तो दो पैरेलल और इसके साथ एक हम सीरीज कर देंगे। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों, दो सीरीज एक पैरेलल करने का मतलब है ये हमारा एक सीरीज, ये हमारा एक सीरीज, इसके साथ हम इसको एक पैरेलल कर देंगे, ये कहने का मतलब इसका, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इन्हीं चारों चीज को हम यहाँ पे फिर से देखेंगे एंड इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला हम देखते हैं सभी को सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास 9 है, तो 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 27, जो कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, पहला तो हमारा ऐसे फेल हो गया। दूसरा हम बात करते हैं सभी को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/9 + 1/9 + 1/9, यानी कि कहने का मतलब आपका कितना जाएगा 3/6, एंड इसको आप कट करेंगे तो आपका तीनों आएगा, वो भी हमारा, यानी कि पहला तो हमारा होने से रहा, दूसरा भी हमारा होने से रहा, तीसरा को हम ट्राई करते हैं दो सीरीज और इसके साथ एक पैरेलल करते हैं, ठीक है ना। तो हम कर लेते हैं पहले यहाँ पे दो सीरीज और इसके साथ हम करेंगे एक पैरेलल, ये हमारा एंड हो गया एंड ए और ये हमारा एंड हो गया बी, यानी कि ये किसी वायर किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड है, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। ये देखा जाए दोस्तों ये 9 ओम है, ये 9 ओम है और ये हमारा 9 ओम है। जब हमको पता है सीरीज में जब हम कनेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट को दोस्तों हम मान लेते हैं ए बी, ठीक है ना, और इस पॉइंट को मान लेते हैं सी डी। तो हम निकालेंगे रेजिस्टेंस एट ए बी, ए बी पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, हम देख रहे हैं कि क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में है यार कि 9 + 9, तो हमारा हो गया यहाँ पे 18 ओम, हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। अब हम दोनों को ये जब हम कनेक्ट कर चुके हैं तो ये हमारा 18 ओम का आ चुका है कि नहीं। अब इसको हम 18 ओम और ये 9 ओम को देख रहे हैं तो आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो अब हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/18 + 1/9, क्योंकि ये किस में है दोस्तों, पैरेलल अरेंजमेंट में। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 18 1+2, यानी कि 3/18। इसी को दोस्तों हमको पता है ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा 1/r की वैल्यू होती है ना, तो 1/r, तो यानी कि 1/r इज इक्वल टू 3/18, यानी कि 6 आ गया हमारा ये, एंड इसी को हम उल्टा करेंगे, यानी कि r इज इक्वल टू 1/6 से उल्टा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6 ओम हमारा आ चुका है, जो कि हमारा सेकंड नंबर का आंसर है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया सेकंड नंबर का आंसर, है कि नहीं। अब पहला नंबर का आंसर कैसे आएगा, तो चलिए पहला नंबर का आंसर निकाल लेते हैं, इसको अब हम रब करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ नंबर को लेके चलते हैं, यानी कि दो पैरेलल एक सीरीज, है कि नहीं। तो दो पैरेलल हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसके साथ कर देंगे एक सीरीज, ये पॉइंट इसको हम एंड दे देते हैं, दो एंड है हमारे, ये हमारा 9 ओम का, ये भी हमारा 9 ओम का, ये भी 9 ओम का। ये जब हमारे पैरेलल में है तो दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं कि इसको जब पैरेलल में करेंगे तो यानी इस कॉम्बिनेशन का दोस्तों आप देखिए तो इसका रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 1/9 + 1/9, है कि नहीं। ये 1/r का वैल्यू है, तो 1/r इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड यही r करेंगे तो हमारा जाएगा 9/2, इसी को जब हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा 4.5 ओम। तो ये आ गया हमारा एक रजिस्टर। अब हम बात करें दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, हमको इस पॉइंट को एक्स मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम वाई मान लेते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस अब इक्विवेलेंट निकालेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 ओम है हमारा, 9 प्लस ये हमारा कितना आया 4.5, क्योंकि हमको पता है ये कॉम्बिनेशन को अब हम जब इसका कॉम्बिनेशन निकाल चुके तो ये और ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 प्लस हम क्या करेंगे 4.5 लिखेंगे एंड इसी को ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 13.5 ओम, जो कि हमारा आंसर है नंबर 1। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एंड इसी प्रकार की क्वेश्चन एंड इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों तीसरा सवाल हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे है, तो हम बात करते हैं सवाल में हमें क्या करना है। तो देखिए तीन रजिस्टर है हमारे, 2 ओम के 3 रजिस्टर है, इनको इस प्रकार से कनेक्ट किया गया है कि हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का कितना आ गया दोस्तों, 3 ओम आ चुका है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ चुका है हमारा, 3 ओम आ चुका है। तो आपको यहाँ पे अगेन अरेंजमेंट बतानी है कि किस प्रकार से इनको कनेक्ट किया होगा, सीरीज में कि पैरेलल में इनको कनेक्ट किया गया होगा, यही आपको इसमें भी अरेंजमेंट शो करनी है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे 2 ओम की 3 रजिस्टर दी गई है, 2 ओम की हमको 3 रजिस्टर दी गई है, तो इसको किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि
3 ओम आ जाएगा। काफी आसान से ये सवाल है एंड ये सवाल आपका कमेंट सेक्शन के लिए है, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए 3 रजिस्टर है एंड मैंने आपको चारों मेथड बता रखी है, तो इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि आपको कितना प्रकार से समझ में आ रही है, कितने अच्छे प्रकार से आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, एंड नहीं समझ पा रहे तो अगेन हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर अच्छे प्रकार से इसको समझा पाए। तो चलिए ये क्वेश्चन है आपका कमेंट वर्क, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों एक और आखिरी सवाल देख लेते हैं एंड ये सवाल है आपका एनसीईआरटी बुक से एंड ये आपके इंटेक्स में आपको ये सवाल जरूर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। अब तो देखिए आइए सवाल की तरफ थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि सवाल में कहा क्या जा रहा है। तो देखिए इस सवाल में दोस्तों कहा जा रहा है हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए में हमें 4 ओम निकालने, बी में हमें 1 ओम निकालने। तो देखिए इस सवाल में आपको कहा जा रहा है सेम उसी प्रकार का ये भी सवाल, इसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि आपके पास 3 रजिस्टर दिए गए हैं 2 ओम 3 ओम और 6 ओम की, है कि नहीं। इनको आपको इस प्रकार से कनेक्ट करना है, इस प्रकार से अरेंजमेंट में सीरीज एंड पैरेलल में आपको लगाना है कि आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाए नंबर 1 4 ओम करके हम आपको दिखाना है एंड नंबर बी 1 ओम, है कि नहीं। तो इसको आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये सवाल हम सॉल्व करने वाले। काफी आसान है ये भी, बहुत ज्यादा आसान है। तो देखिए हमने जो आपको अरेंजमेंट बताई थी 4 ऑप्शन, उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। जब इसको दोस्तों हम देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन कर लेते हैं, जब इसको हम उसी प्रकार से कर रहे हैं कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आप देख रहे होंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 9 और 2 11 जो कि हमारे ऑप्शन में है नहीं, हमको 4 ओम लाना है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले दोस्तों, दो सीरीज दो पैरेलल एक सीरीज करने वाले, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम पैरेलल में जब देखा जाए दोस्तों, पैरेलल में अगर हम इन्हें कनेक्ट करेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 एलसीएम हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या 6, है कि नहीं। तो 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 3 टाइम प्लस 1 टाइम यानी कि 6/6, है कि नहीं, जो कि हमारा आ जाएगा 1 ओम। तो ये हमारा दोस्तों ऑप्शन बी तो यहाँ पे हमारा चुटकियों में बन गया है, जिसके हमने आपको बताया था पहले एक सीरीज में कनेक्ट करके देखिए फिर सभी को पैरेलल में आप कनेक्ट करके देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि बी नंबर जो हमें 1 ओम लाना था ये तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, काफी आसान है। तीसरा हमने आपको क्या बताया था, दो पैरेलल एक सीरीज या फिर दो सीरीज करके उसके साथ एक पैरेलल। तो हम यहाँ पे दोस्तों क्या करने वाले हैं, ए नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 3 और 2 को लेकर के हम 4 ओम ला नहीं सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों 3 और 6 ओम इसको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जरूर हमारा 2 ओम आ जाएगा। तो हम लेने वाले यहाँ पे दो पैरेलल एक सीरीज में। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले दोस्तों, दो पैरेलल में लेंगे, एक पहले हम ले लेंगे सीरीज में फिर हम लेंगे पैरेलल में। इसको हम रब कर देते हैं, इसकी भी डायग्राम अभी हम बना लेंगे, है कि नहीं। एंड अगेन इसके साथ एक हम पैरेलल में ले लेंगे, ये हमारा एक एंड हो गया, ये हमारा एक एंड हो गया। अब देखिए हम इसको पहले भी कर सकते थे लेकिन यहाँ पे 2 ओम और 3 ओम लेते तो इसका हम जब निकालते रेजिस्टेंस तो हमारे डेसिमल में आ जाता, जो कि हमारा डेसिमल में आंसर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जिसके हमको पता है 3 और 6 इसको जब हम पैरेलल में करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम लेते 2 ओम, यहाँ पे ले लेते 3 ओम और यहाँ पे ले लेते 6 ओम। तो यहाँ पे देखिए 2 का तो 2 रहेगा, देखिए हमको 4 बनाना है, हमको क्या बनाना है 4 ओम बनाना है। तो 2 को रहने देते हैं और 2 ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 क्या होता है 4 होता है। तो इसे हम देखेंगे तो हमें देख के लग रहा है कि इसको पैरेलल में करेंगे तो जरूर हमारा आंसर 2 ओम आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस कॉम्बिनेशन का पैरेलल में हम निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस हम लिखेंगे 2 प्लस, इसको हम पैरेलल में निकालते हैं। तो पैरेलल के निकालने की दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सिंपल ट्रिक रेसिप्रोकल ना हो तो R1 × R2 / R1 + R2 ये वाली फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, इसी के ऊपर हम इस सवाल को सॉल्व करने जाने वाले। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों, इसी बात पे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, काफी ज्यादा गर्मी है एंड इस गर्मी में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में काफी सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि नहीं। तो जरूर मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, तो इसे आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करने वाले, इसको हम पैरेलल में करेंगे तो R1 × R2 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसको हम ब्रैकेट में लेके चलते हैं तो R1 हमारा कितना है दोस्तों, R1 हमारा 3 × 3 के साथ 6/3 + 6, है कि नहीं। R = 2 + 6 = 18 / LCM हो जाएगा 9, इसको जब दोस्तों हम काटेंगे तो 2 आ गया,
यानी कि R इज इक्वल टू 2 प्लस 2, यानी कि हमारे कितना आ गया दोस्तों 4 ओम आ गया, जो कि हमारा A का आंसर है कि नहीं। 4 ओम लाना था हमें रेजिस्टेंस, तो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 ओम आ गया। यही हम बात करते हैं बी का, तो बी का हमारा काफी ज्यादा आसान था। यहाँ पे हम क्या किए, तीनों को हम लगा दिए दोस्तों, तीनों का लगा दिए पैरेलल में, ठीक है, तीनों को हम लगा दिए दोस्तों पैरेलल में, है क्या। तो हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये लेक्चर आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये लेक्चर आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, एंड वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की एक और सेट लेकर के आऊंगा, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा रेजिस्टेंस के, कि कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस को कंपेयर करके किस प्रकार से क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ये नेक्स्ट क्लास में हम जरूर देखेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा ये क्लास पसंद आया होगा, क्लास पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर करेगा, एंड कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट वर्क दी है वो सब कमेंट करके जरूर बताएगा, इससे हमें पता चलता है कि आपको जो हम पढ़ाते हैं वो समझ में आ पाता है या नहीं। तो कंसेप्ट के साथ हम चलेंगे दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।